नमस्कार वेलकम टू इंस्टीट्यूट मैं हूँ आपका टीचर शुभंकर आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे सब्सटेंस प्रिंटर में कैसे पी वी आर टेक्सर करेंगे एक गेम रेडी मॉडल को लास्ट जो दो पार्ट हम लोग कवर किए हैं फर्स्ट पार्ट में हम लोग बनाए थे मैक्स में कैसे एक गेम रेडी एक्स मॉडल बनाएंगे एंड उसको हायर पॉलिवर्सन भी रेडी किए थे सेकेंड पार्ट में हम लोग उसको हां टाइपिंग किए थे रीनेम किए थे एंड एक्सपोर्ट किए थे सब्सटेंस प्रिंटर के लिए मैक्स से तो शुरू करते हैं फर्स्ट हम लोग जाएंगे फाइल में एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे टेम्पलेट रखेंगे पीबीआर मेटेलिक राफनेस फाइल चूज करेंगे हमारा लो पॉली को, एंड डॉक्यूमेंट रेजुलेशन रखेंगे टू जीरो फोर एट उसके बाद करेंगे ओके okay, हमारा लो पॉली मॉडल यहाँ पे शो करेगा तो उसके बाद हम लोग करेंगे बेक यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट हम लोग करेंगे नॉर्मल बेक मैप तो आउटपुट साइज में मैं रख रहा हूँ टू जीरो फोर एट और यहाँ पे मैं हाई पॉली को इम्पोर्ट कर रहा हूँ नीचे जाएंगे ये आप लोग मैनिपुलेट करके देख सकते हैं आपका कौन सा सेटिंग्स में आपका नॉर्मल मैप अच्छा आ रहा है एवरेज नॉर्मल को ऑफ करेंगे एंटी एलाइजिंग मैं रख रहा हूँ सब सैम्पलिंग एट बाई एट मेस ऑलोर्ज की जगह पे बाई मेस नेम क्योंकि हमारा साफिक्स जो है हाई एंड लो है तो मैं यहाँ पे नन करूँगा एंड ओनली नॉर्मल को सिलेक्ट करके बैक करूँगा ये हो जाने के बाद हम लोग थोड़ा चेक कर लेंगे अगर कहीं पे कुछ इशू हुआ तो इशू होने से हम लोगों को वो डायलेशन उथ को कम ज़्यादा करके फिर से करना पड़ेगा इसके बाद फिर से मैं बेक मेस में पे जाऊँगा नॉर्मल को ऑफ करूंगा वॉल्ट फेस नॉर्मल को ऑन करूँगा और आईडी को ऑन करूंगा आईडी में सोर्स कलर में भाटेक्स कलर के जाएगा जगह में मेस आईडी एंड पॉली ग्रुप रखेंगे और कलर जनरेटर ह्यू ह्यूशिप्टी रखेंगे एम्बियन ऑक्लूसन को हम लोग बाद में करेंगे कर्बेचर को ऑन करेंगे कर्मचार जैसे डिफॉल्ट है वैसे रखते थे देन इसको करेंगे फिर से बेक देन फिर से एक बार बेक में जाएंगे अभी एम्बियन ऑक्लूसन एंड थिकनेस पोजिशन भी बाकी है तो थीकनेस कौन करेंगे पोजिशन कौन करेंगे? इसको ऑफ करेंगे ये तीनों को बाद में करने का एक ही कारण है क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है एम्बियन ऑक्लूशन यहाँ पे लीनियर के जगह में आप कुछ चेंज मत कीजिए ऑलवेज के जगह में ओनली बेस बाई नेम कीजिए पोजिशन में ये ठीक है एंड थिकनेस को हम लोग ऑलवेज के जगह ओनली सेम मेस नेम करके बेक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा बेकिंग कंप्लीट होने के बाद फोल्डर बनाएंगे क्योंकि हम लोग एक ही सेडर यूज किए हैं फोल्डर को अरेंज करके यहाँ पे अलग अलग टिक्सर यूज करना पड़ेगा उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लेयर्स में न्यू फोल्डर बना रहे हैं फोल्डर का नेम देते हैं वुड और, और एक फोल्डर बनाएंगे इसमें रीनेम करेंगे ब्लेड ब्लेड में मैं जा रहा हूँ राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन होता है एड मास्क विद कलर सिलेक्शन, इसको क्लिक करेंगे पिक कलर करेंगे तो ब्लेड ए है ओके अब वुड में जाएंगे राइट क्लिक करेंगे एड मास्क विद कलर सिलेक्शन, पिक कलर वुड करेंगे इसके अंदर मैं अगर एक लेयर लेता हूँ समझ लीजिए यहाँ पे एक मैं फील्ड लेयर ले रहा हूँ फील्ड लेयर इसके अंदर डालता हूँ और यहाँ पे मैं कलर अभी अगर कुछ कर देता हूँ तो देखिए ये ओनली वुड जो वुड जो एरिया में है उसी जगह में वो कलर दे रहा है ब्लेड में भी सेम मैं करूंगा fill layer, अंदर डालेंगे और इसका कलर कुछ और एक फोल्डर बनाएंगे ब्लेड ग्रिप के लिए रिनेम करेंगे राइट right क्लिक करेंगे ऐड मास्क विद कलर सिलेक्शन क्लिक करेंगे इस कलर को और एक न्यू फील लेयर लेंगे इस लेयर में कलर कर देंगे कोई भी दूसरा पर्पल और इसको इसके अंदर डाल देंगे ब्लेड ओपन करूंगा ब्लेड लेयर के अंदर मैं और एक फील लेयर लूँगा या फिर आ, मैं यहाँ पे यहाँ से मटेरियल सिलेक्ट करूंगा मटेरियल से यहाँ पे रफ सर्च करूँगा और स्टील रफ को यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करूँगा फील लेयर के ऊपर तो यहाँ पे यहाँ पे शो so करेगा फर्स्ट हमारा काम है यहाँ पे स्टील टेक्निकल पैरामीटर नॉर्मल इंटेंसिटी जो है इसको हम करेंगे पॉइंट टू स्टील रफनेस थोड़ा सा बढ़ाएंगे पॉइंट फाइव फाइव एक फील लेयर इसके स्टील रफ के ऊपर एक फील लेयर ऐड करेंगे इसका कलर हम रखेंगे डार्क ग्रे इस तरह से ओके okay. उसके बाद इसमें एक स्मार्ट मास्क यूज करेंगे स्मार्ट मास्क में जाएंगे स्मार्ट मास्क में साज करेंगे डस्ट डटी इसको इस फील लेयर में क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और इस कलर में हम लोग इसको क्या करके मेटल को ऑफ करेंगे हाइट को नॉर्मल को ऑफ कर देंगे तो रफनेस दिखेगा इसमें थोड़ा तो. और इसका जो रफनेस है इसका रफनेस को थोड़ा और बढ़ाएंगे और स्टील राफ में जाएंगे यहाँ पे इसका यूनिफॉर्म स्केल जो है इसमें दो करेंगे ओके okay. अब इसमें क्या हुआ जो सेकेंड लेयर हम लोग दिए इसको ऑफ करके देखिए इसमें थोड़ा सा राफनेस का जो डिफरेंस है वो इसमें हम लोग प्रीमियम करते हैं डस्ट डर्टी इसके ऊपर और एक फिल लेयर लेंगे फिल लेयर का कलर जो होगा वो थोड़ा डार्क रहेगा एंड इसमें राइट right क्लिक करेंगे एक ब्लैक मास्क यूज करेंगे और ब्लैक मास्क के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एड ए फिल अब फिल में ये जो ग्रेस के लिए यहाँ पे क्लिक करके हम लोग करेंगे स्क्रैच, ग्रांड स्क्रैच, रफ इसको लाएंगे मैं इस लेयर में जा रहा हूँ फिर से जाके इसका जो हाइट है इसको माइनस में कर रहा हूँ थोड़ा माइनस पॉइंट जीरो फाइव समथिंग इसमें जाएंगे स्क्रैच का सेटिंग्स थोड़ा ठीक करेंगे बैलेंस को थोड़ा कम किया मैं स्केच क्वांटिटी को थोड़ा स्केच स्टाइलिंग स्कैच ब्लर स्कैच विथ को थोड़ा कम कर रहे हैं हल्का स्क्रैच लेंथ अब चाहे तो इसको यहाँ पे यू भी में टू करके देख सकते हैं कैसे लग रहा है पिछले साइड भी देख लेना इसको रैंडम को ऑन करके एक बार क्लिक करके देख सकते हैं कहाँ पे कैसे स्क्रैचेस आ रहा है ये ठीक है ओके इसको रिनेम करेंगे स्क्रैच। ये जो डस्ट डाटी हम लोग यूज़ किए थे इसका जो इस पार्ट में है देखिए यहाँ पे बहुत सारा ये आ गया राफने आ गई तो मैं क्या करूँगा डस्ट डाटी में जाऊँगा राइट क्लिक करूँगा एड पेंट यूज़ करूँगा और पेंट में जाके मैं एक ब्रश यूज़ करूँगा यहाँ से कोई भी एक ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डॉट वन कंट्रोल पकड़ के अगर राइट क्लिक करके छोटा करेंगे तो बड़ा साइज छोटा होता है और इसके नीचे जाएंगे यहाँ पे देखिए ग्रे स्केल में अगर व्हाइट है अब इसको ऐड कर सकते हैं और अगर ग्रे स्केल को माइनस करेंगे ना इसको जो जगह में हम लोग को नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं मुझे इस सब जगह में थोड़ा सा कम करना है तो मैं इसको कम कर रहे हैं क्लिक एंड ट्रैक करेंगे यहां से हटा देंगे और एक मेटेरियल यूज करेंगे हम लोग मेटेरियल में आएंगे इसमें करेंगे, साइनी सर्च करेंगे आयरन साइनी को इसके नीचे रखेंगे इसमें साइनी ने दिखेगा ये ऐसे तो आयरन साइनी को मैं क्या करें भी स्केल दो कर रहा हूं और ये इसमें राइट क्लिक करेंगे ब्लैक मास्क यूज करेंगे पॉलीगॉन सिलेक्शन में जाऊंगा अब पॉलीगॉन सिलेक्ट करूंगा जो जो एरिया में मुझे चाहिए हो गया अब इसका रोटेशन आयरन साइनी का थोड़ा रोटेशन चेंज करेंगे एंड आयरन साइनी का जो राफनेस है उसको थोड़ा कम करेंगे आप आयरन साइनी को ऊपर रखते हैं रख के इसको नॉर्मल की जगह में मैं कर दूंगा ओवर टिल रफ डाटी है एंड स्केचेज जो है ये तीनों चीज को मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल डी और ये तीनों चीज़ को मैं ब्लेड ग्रीप के अंदर डाल दूँगा और इस फिल लेयर को इसको नीचे ड्रैग करूँगा वुड के लिए हम लोग मटेरियल में जाएंगे फिर से को बंद करेंगे इसको सर्च करेंगे वुड थर्ड वाला जो वुड है मैं उसको चूज कर रहा हूँ इसको क्लिक एंड ड्रैग करूंगा इसके ऊपर रखूँगा अब इसका कलर चूज करेंगे और यहां से चूज और इसको रोटेशन कर देंगे यहाँ पे रोटेशन कर देंगे नाइन्टी डिग्री राफनेस को हम कम करेंगे यहाँ पे एड ए तो फिल लेयर आ जाएगा फिल लेयर का कलर जो हम लोग करेंगे थोड़ा सा डार्क इसमें एक मास्क यूज करेंगे स्मार्ट मास्क चार्ज करेंगे यहां पे डास्ट सॉफ्ट के मास्क एडिटर में जाके यहां पे इसका जो ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट है उसको बढ़ाएंगे इसमें आपको डिफरेंस क्या दिखेगा इसका थोड़ा राफनेस का डिफरेंस दिखेगा इसके ऊपर और एक फील लेयर यूज करेंगे इसका भी कलर मैं थोड़ा डार्क करूंगा एंड इसमें जो स्मार्ट मास्क यूज करेंगे ड मास्क एडिटर में जाएंगे इसका जो बैलेंस है ग्लोबल थोड़ा कम करेंगे हल्का और कलर अगर कम करना है इसमें जाएंगे बेस कलर हल्का सा लाइट अब कलर चूज़ कर सकते हैं अब ये पिक कलर लेके वुड का कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए और आपने इस थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए अब ब्लेड के अंदर जो हम स्क्रैच लेयर बनाए थे उसका एक डुप्लीकेट करेंगे डुप्लीकेट करके इसको इसके ऊपर डाल देंगे वुड के अंदर। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं स्क्रैच को मैं स्क्रैच क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दिया इसमें मैं इसके ऊपर एक ब्लैक पेंट यूज करूंगा तो मैं जा रहा हूं ब्लेड में स्क्रैचेस के नीचे इसके ऊपर एक मैं लेयर लूंगा यहाँ पे में जाके पेंट पेंट जो स्टील है इसको मैं रखूंगा के नीचे तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा अब स्टील पेंट के अंदर मैं राइट क्लिक करूंगा एड ए ब्लैक मास्क करूंगा ब्लैक मास्क के ऊपर फिर से राइट क्लिक करेंगे एड ए जनरेटर जनरेटर में जाके यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा एम जी मेटल एज वेयर तो ये अभी उल्टा दिखा रहा है तो मैं इसके अंदर जाके क्या कर दूंगा इनवर्ट मैं इसके अंदर राइट क्लिक करूँगा एड ए पेंट पेंट में जाके मैं ब्रश सेलेक्ट करूँगा डट वन और जो जो मुझे जगह में नहीं चाहिए उसको कर दूँगा ब्लैक के करूंगा यहाँ पे ग्रे स्केल में यहाँ पे जो जो एरिया में नहीं चाहिए मैं उस जगह से इसको रिमूव करूँगा मैं इस साइड में भी यूज़ करूंगा वो इस साइड में भी ऐसा छोटा करूँगा कुछ कुछ इस एरिया में भी दिन मैं पेंट में, में जाऊंगा इसका जो टेक्निकल पैरामीटर्स है इसमें जाके नीचे जाऊँगा इसका या फिर पॉइंट जीरो थ्री परफेक्ट यहां पे हम लोगों को लेवल ऐड करना है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ एक पेंट जो टिक्सर है इसके नीचे मैं एक फिल लेयर ले रहा हूं फिल लेयर का कलर मैं रख रहा हूं ब्लैक और इसका जो हाइट है हाइट मैं कर रहा हूं माइनस पॉइंट जीरो थ्री समथिंग इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा एक ब्लैक मास्क ऐड करूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे रिसोर्सेस ऐड करूंगा ऐड रिसोर्सेस यहाँ पे जो ये दो लेवल है या फिर लोगो है इसको ओपन करूँगा अल्फा अल्फ़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करूँगा तो ये हमारा दिखेगा यहाँ पे फर्स्ट जो लोगो मुझे चाहिए वो चाहिए ए वाला टी ए वाला इसको चूज करेंगे जब भी ये अल्फ़ा में चूज़ होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रश में दिखाएगा आप कंट्रोल राइट क्लिक करके इसको बड़ा कर कर सकते हैं एंड कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक करके इसको रोटेशन कर सकते हैं यहाँ पे मैनुअली आप यहाँ पे जाके भी मैन रोटेशन कर सकते हैं इसका जो एंगल जीटर वगैरह है ये सब ऑफ कर दीजिए यहाँ पे रोट 90 कर दीजिए मैनुअली वो भी एक ही बात है अब इसको हम लोग यहाँ पे जाएंगे जाके थ्री एंड टू को ऑन करेंगे इस व्यू में क्लिक करूँगा और इस तरफ सीधा इस जगह में भी मिडिल में मैं क्लिक करूंगा। अब ये उल्टा हुआ है एक्चुअली डेप्थ ऊपर की तरफ होना चाहिए तो मैं इस लेयर का इसमें क्लिक करके हाइट जो माइनस है इसको मैं माइनस को हटा दूंगा। तो ऊपर की तरफ दिखेगा बट ये जो स्टील पेंट में आप लोग चूज़ किए थे ना मेटल एजवर, लेकिन ये इसमें इफेक्ट नहीं कर रहे इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे एंकर पॉइंट का नेम दे देंगे ये। ये जो पेंट मेटल एजवेयर है इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे नीचे देखिए मैक्रो हाइट है मैक्रो नॉर्मल है क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइट यूज़ किए हैं तो मैक्रो हाइट में क्लिक करेंगे एंकर पॉइंट में जाके इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है अभी तक नहीं शो करेगा क्योंकि मेटल एज एजवेयर में जाके ऊपर जाके आपको ये जो मैक्रो हाइट है अगर मैक्रो नॉर्मल यूज करेंगे तो ये ऑन करना है मैक्रो हाइट को यहाँ पर ऑन करना है आप ये आप लोग यहाँ पर ये और डेव टेप वगैरह चेंज करके आप इसका जो सेटिंग्स से है वो ठीक कर सकते हैं ओके okay. मेरे हिसाब से अब ये ठीक दिख रहा है तो यहाँ तक रखते हैं अब वुड के ऊपर मुझे और एक लेबल यूज़ करना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं वुड सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। वुड के ऊपर और स्केच के नीचे मैं एक लेयर लूँगा फिल लेयर इसका कलर भी सेम ब्लैक करूँगा और इसका हाइट जो है मैं माइनस पॉइंट ज़ीरो थ्री रखूँगा राइट right क्लिक करके एक ब्लैक मास्क यूज़ करूँगा और ब्लैक मास्क में मैं ये चूज करूँगा अब इसको यहाँ पे कंट्रोल एंड राइट क्लिक करके इसको मैं बड़ा करूँगा अब इसको कहाँ पे प्ले पेंट करना है आप चूज करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए हो जाने के बाद इस ग्रुप में भी मुझे करना है कंट्रोल पकड़ूंगा राइट right क्लिक करके इसको रोटेशन करूँगा इस तरह से और इसको यहाँ पे ऑल्ट पकड़ के घुमा लूँगा और सिप्ट पकड़ के राइट क्लिक करेंगे तो इसका लाइट इस तरफ हो जाएगा और इसको यहाँ पे मैं से कर ओके आप इसका रिनेम वगैरह कर लीजिए अच्छे से गेम रेडी मॉडल का पी बी आर टेक्सर कर सकते हैं सब्सेंस प्रिंटर में टेक्सरिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग को क्या करना है फाइल में जाना है एक्सपोर्ट टेक्सर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आपको ए चूज करना है डॉक्यूमेंट चैनल प्लस नॉर्मल प्लस ए नो no अल्फा उसके बाद इसका साइज आप चाहते हो तो चेंज कर सक फोर के में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ टारगा फाइल एक्सटेंशन एंड इस फोल्डर में इसको मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट फोल्डर एंड कर रहा हूँ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपका बेस कलर हाइट मेटालिक एम एन अक्लूसन नॉर्मल का दो होता है एक डायरेक्ट एक्स होता है नॉर्मल वाला होता है और एक राफनेस आई बिलीव ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ और सीखेंगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू फॉर वॉचिंग